पेपर अखबार वाले को तो कोई काम है नहीं, बीजेपी और अन्य लोगों को राजनीति हर चीज पे करना है। नीतीश कुमार जी का कॉन्सेप्ट था कि हमारा जो हम एजुकेशन जिस तरीके से हम दिए या हम देना चाहते हैं उसमें जो जनसंख्या कंट्रोल है वो एजुकेशन से ही संभव है। हमारा अवेयरनेस, हमारा हम जिस तरीके से एजुकेशन के साथ हमने अवेयरनेस लाया है उसमें 4.6 पॉइंट का जो हमारा जनसंख्या का रेट था, दर था, वो 2 पॉइंट कुछ पर आ गया। तो नीतीश कुमार जी के आप तरीके पर आप वहाँ तो बहुत सारी बातें हुई, 63% आरक्षण पे बातचीत हुई, दलित के 19 से 20% आरक्षण पे बातचीत हुई, अत्यंत पिछड़े की बातचीत हुई, उसमें जो जिसके भूमिहीन है 2 लाख रुपया देने की बातचीत हुई। तो आपको इतनी अच्छी बातचीत हुई उसमें समझ नहीं आया। और नीतीश कुमार जी ने शादीशुदा पति पत्नी के बारे में कोई एक कॉन्सेप्ट की बात की तो उसको आप इंटेंशनली आप दूसरे तरीके से लेके जा रहे हैं। उन्होंने उसकी मानसिकता की बात की, सोच की बात की कि पढ़िएगा तो उसका मानसिकता चेंज होता है, लड़कियां खुद अवेयरनेस हो जाती हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, दवाई की ज़रूरत नहीं है या आप कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब दलितों में देखिए कितने बच्चे हैं, जब एजुकेशन नहीं है तो आप हमारे पास कोई साधन नहीं बचता है टीवी या अन्य चीज़ों, तो हम हमारे लिए जो आनंद का विषय बेसिक चीज़ है वो पत्नी हो जाती है गरीबों के बीच। जब हम दूसरा साइड नहीं देंगे तो अब नीतीश कुमार के बयान को हाय तोबा मचाते रहिए। और ये बीजेपी वाले दुनिया का ये जो आरएसएस है, आरएसएस वाले क्या अटल जी क्या बोले थे, नहीं बोले थे कि हम शादीशुदा, ये कैसे बोल दिए वो कि हम ब्रह्मचर्य नहीं है, हम शादी नहीं किए लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं है। और नेता लोग पौर नहीं देखते हैं, डेली पौर के खिलाफ क्यों नहीं, नीतीश कुमार तो पौर के खिलाफ भी बात किए, बंद करिए ना पौर। ये नीतीश कुमार का है तो आरएसएस वाले क्या करते हैं, जितने ये शादीशुदा है सबको लड़का लड़की नहीं चाहिए, नाटक करता है ये लोग। महिला विधायक इस्तीफा की मांग कर रही है नीतीश कुमार। अरे भैया महिला विधायक के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो मेरी बहन है, हम महिलाओं का रेस्पेक्ट करते हैं, महिला मेरे लिए सबसे प्रतिष्ठा का विषय है। मेरा मानसिकता साफ है कि महिलाओं को सिर्फ मुंह से सम्मान मत दीजिए, और जो लोग महिला का कह रहे हैं ना, पहले नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा लीजिए कि पत्नी कहाँ है, आरएसएस वाले से पूछिए कि कितनी पत्नी या कितने लोग हैं, समझे। हम महिलाओं का रेस्पेक्ट देने की बात करते हैं तो उनको पहले कहिए कि अहिल्या कौशल्या सावित्री महिला को बांझ बनाना, सती और महिला को विधवा बनाना बंद करे, महिला को भ्रूण हत्या बंद करे, महिला का दहेज में जलाना बंद करे, समझे। ये जो डेली 12-13 बलात्कार होता है पहले उसको पूछिए ना, कहीं गए पप्पू यादव कला पे जाते हो, महिला मांग रही है इस्तीफा, कहिए ना बीजेपी की महिला मांग रही है।